यूट्यूब के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जीवन का रहस्य क्या है। पहले भी मैंने जीवन के रहस्य के बारे में चर्चा की थी, आज भी कर रहा हूं। जीवन प्रकृति द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार है, जिसे हमें संजोकर रखना चाहिए, लेकिन हम इसे संजोकर नहीं रखते हैं और दूसरों को दुख देते हैं। जैसा कि कहा जाता है, इस जीवन में कोई अपना नहीं है, बेटा पत्नी की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान के लिए है और ये जीवन मृत्यु के लिए है, लेकिन फिर भी हम मनन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं और हम दूसरों को तकलीफ देते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि इस जीवन में हम नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी सोच को आगे नहीं बढ़ाते हैं, जिससे जीवन में हम दूसरों को हमेशा तकलीफ देते रहते हैं। देखा जा रहा है कि अधिकतर महिलाएं अपने बच्चों को शरबन कुमार बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण कुमार नहीं बनाना चाहती है। इस बात को आप समझ गए होंगे। जीवन में कुछ ऐसा कार्य आप करें जिससे आपको हमेशा याद किया जाए। अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी के लिए समर्पित हैं और जिसके लिए आप समर्पित हैं, आप ऐसा मत सोचें कि आपको वो चाहता है, आपसे काम लेना पसंद करेगा और एक दिन आपको नज़रअंदाज कर देगा। इसलिए आप अपने विवेक से कोई कार्य करें, निश्चित रूप से आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। देखा जाए तो हम सभी को जीवन के प्रति ऐसा कार्य करना होगा जिससे जीवन में हमें हमेशा याद किया जाएगा। जीवन के बारे में कहा जाता है कि जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचें, जिससे सभी का भला हो। आज का जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि हम एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं और स्वार्थवश हम धन कमाने में लगे हुए हैं। धन कमाना अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम धन नहीं कमाएंगे तो परिवार कैसे चलेगा। लेकिन फिर भी हमें इस बात को सोचना चाहिए कि किस तरह से हम अपने आप को इस पटल पर स्थापित करें, जिससे
जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त हो सके। हम ऐसा कुछ कार्य कर दें जिससे जीवन में हमें हमेशा याद किया जाए, क्योंकि जीवन तो बहुत छोटा है। पहले भी हमने कहा था कि इस धरती पर हम आए हैं, तो हम ऐसा कुछ कार्य अवश्य कर दें जिससे लोग हमें हमेशा याद करेगा। आपने रामायण तो अवश्य पढ़ा होगा, जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा गया तो उन्होंने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया और वो 14 वर्षों तक वन में रहे। राजा का बेटा होते हुए भी उन्होंने इस आदेश को पालन किया और पुरुषोत्तम राम कहे गए और बाद में उन्हें विजय की प्राप्ति हुई और आज हम सभी उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं। कभी भी उनके मन में कभी कोई स्वार्थ नहीं आया, लेकिन क्या आधुनिक युग में इस तरह की बात आती है? नहीं आती है। कोई भी हो, मैं हूं या कोई दूसरा हो, स्वार्थ में लिप्त रहते हैं और हमेशा सोचते हैं कि क्या मुझे प्राप्त हो जाए, मैं किसी को कितना दबाव दे सकूं, मैं कितना प्राप्त कर सकूं। प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन मुझे लोग उस नज़र से नहीं देखेंगे, इसलिए जो मेरा हक है उसे ही हमें प्राप्त करना है और जो दूसरों का हक है उस पर कभी भी हम बुरी नज़र नहीं डालें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस जीवन के रहस्य को समझें जिससे आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। यही जीवन का रहस्य है। इस दुनिया में न तो कोई हमेशा रहेगा, इसलिए इस जीवन को समझकर हम आगे बढ़ें। हम ऐसा कोई कार्य कर दें जिससे ज़िंदगी में लोग हमेशा याद करें। इसलिए कहा जाता है, लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट बट फॉर सम द गिफ्ट इज नॉट ऑलवेज फ्लावलेस। यह जीवन एक अमूल्य उपहार है और ये हमेशा नहीं आता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं जो कह रहा हूँ इस बात को समझें और अपने ऊपर उतारें। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें जिससे लोगों में इस तरह की बात आए, अपने जीवन पर उतारे और अपने आप को आगे बढ़ाएं। परिवार से ही किसी देश और राष्ट्र की शक्ति का विकास होता है। अगर हमारा परिवार सही है तो निश्चित रूप से समाज का विकास होगा, और अगर समाज का विकास होगा तो संपूर्ण धर्म का विकास होगा, और अगर संपूर्ण धर्म का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और अगर देश का विकास होगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके आप आगे बढ़ें। बातें तो होंगी,